फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन टैलेंट, मतलब यहाँ पर ओलंपियाड का जो एग्जाम है इंडियन टैलेंट का, इसका पार्ट थ्री हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए, पार्ट वन और पार्ट टू में हमने यहाँ पर फोर चैप्टर्स देखे हैं। पार्ट वन में अवर बॉडी और प्लांट्स, और पार्ट टू में देखिए एनिमल्स और बर्ड्स। ये हमारा साइंस सब्जेक्ट है, देखिए साइंस सब्जेक्ट है क्लास फोर, और आज हम यहाँ पर पार्ट थ्री देख रहे हैं जिसमें हम दो चैप्टर यहाँ पर कवर करेंगे, फूड और क्लोथिंग। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फाइव। देखिए चैप्टर नंबर फाइव जिसका नाम है फूड। अभी फूड के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच फूड कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अवर टीथ स्ट्रॉन्गर। कौन सा फूड खाने से हमारे टीथ स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, तो कैल्शियम, ये हमारा सही आंसर है। सेकंड है चूज द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग। इसमें ऑड कौन सा है ऑप्शन है, तो देखिए फर्स्ट है मैंगो है, यहाँ पर मैंगो पिकल है, मैंगो पल्प है और मैंगो जाम है। ये तीनों जो है मैंगो पिकल, पल्प और जाम, ये मैंगो पर प्रक्रिया करके बनाए गए है, और मैंगो ही जो फ्रूट है, रॉ मटेरियल, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए वो गुड फूड आइटम कौन सा है जो हमारे लिए सही है, वो है देखिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर सभी स्वीट्स है, पिज्जा है, बर्गर है, यहाँ पर डी में स्वीट्स है, बी में यहाँ पर टीज कॉफीज वगैरह वगैरह है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है जिसमें वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये हमारा सही ऑप्शन है। देखिए फोर नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नट। इसमें नट कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट है ग्राउंड नट है, उसे आलमंड्स है, उसके बाद यहाँ पर अक्रोड है, और फोर नंबर का जो हमारा सही आंसर है ये कोई नट में नहीं है, ठीक है। फाइव नंबर है व्हाट कॉमन थिंग्स डू वी गेट फ्रॉम दीज क्रॉप्स। सब क्रॉप्स में यहाँ पर कॉमन थिंग्स कौन से, यहाँ पर पल्सेस है, फ्लोर है, स्पाइसेस और ऑयल है, और यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखाई गई है वो है ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है और मकाई, मतलब स्वीट कॉर्न है। इससे क्या बनता है कि फ्लोर बनता है, ना कि पल्सेस, स्पाइसेस और ऑयल, सभी से क्या बनता है, फ्लोर बनता है। तो हमारा आंसर है फ्लोर। अगला है सिक्स नंबर फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स डू वी गेट ऑयल। यहाँ से ऑयल किससे बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी है ग्राउंड नट्स, इससे ऑयल बनता है। यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर मूलिया है, मूली है, तो हमारा सही आंसर है ग्राउंड नट। सेवन नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो देखिए प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर रिपेयरिंग अवर बॉडी, ये हमारा सही स्टेटमेंट है। अगला है यहाँ पर एट नंबर विच फूड आइटम्स कंटेंस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। कौन से फूड आइटम में ज्यादातर मात्रा में पानी रहता है, तो वो है वाटरमेलन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है नाइन नंबर का डाइडेस्ट यूज एज स्पाइस। स्पाइस कौन से, यहाँ पर ड्राइड फिग है, रोस्टेड ग्राउंडनट है, नन ऑफ दीज, और ड्राइड मैंगो पाउडर। तो मैंगो पाउडर है, इससे आमचूर बनता है, तो ये कैसा रहता है, स्पाइस रहता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। टेन नंबर है मैच द फॉलोइंग। अभी देखिए यहाँ पर फर्स्ट है बिटर गार्ड, तो हम ए को सी से ज्वाइन करेंगे। बी नंबर है देखिए यहाँ पर, ये सेकंड नंबर है क्यूमिन सीड है, तो देखिए वो कैसे रहता है, वो स्पाइसी रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड नंबर ऑरेंज है, तो ऑरेंज का टेस्ट रहता है सौर। और फोर नंबर है यहाँ पर रसबेरी, उसके बाद यहाँ पर ब्लैकबेरी, वो इसका टेस्ट रहता है स्वीट रहता है। तो यहाँ पर फ्रूट्स है और उसका टेस्ट यहाँ पर दिया है, तो हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। ए को यहाँ पर सी से ज्वाइन करेंगे, टू को यहाँ से ए से ज्वाइन करेंगे, थ्री को डी से ज्वाइन करेंगे, और फोर को बी से ज्वाइन करेंगे, और इस तरह से सही ऑप्शन जो हमारा है बी। इसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर शोज द करेक्ट वे ऑफ ईटिंग। ईटिंग करने का सही तरीका कौन सा है, तो चम्मच से देखिए खा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर फूड जो है फेंक रहे हैं, यहाँ पर हाथ से वैसे चबा चबा के खा रहे हैं, यहाँ पर
यहाँ पर भी हाथ से चबा चबा कर ही खा रहे हैं, तो हम हमारा सही तरीका जो है चम्मच से ठीक तरह से बैठकर खाने का, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑक्यूपेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ अवर फूड, तो हमारा सही आंसर है फार्मर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है, एड मी इन फूड फॉर अ कलर एंड टेस्ट, मिक्स मी इन मिल्क टू ड्रिंक, मिक्स मी इन ऑयल टू अप्लाई टू वुंड्स, आई एम यूजफुल एंड लव बाय ऑल, ऑलवेज थिंक एंड टेल मी हु एम आई। देखिए, मिक्स मी मिल्क, मिल्क में भी मुझे यूज किया जाता है पीते वक्त, मिक्स मी इन ऑयल, ऑयल में भी मुझे यूज किया जाता है, अप्लाई टू वुंड्स जहाँ पर कटा हुआ हो उस जगह पर लगाने के लिए ऑयल में से मुझे मिक्स किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है सैफ्रॉन है, आलमंड है, टर्मरिक है और कैशनट है। सही आंसर हमारा आता है टर्मरिक। टर्मरिक को हम खाने में यूज कर सकते हैं, पीने में यूज कर सकते हैं, और हमारे शरीर पर कोई घाव रहा हो, कहीं पर कटा हुआ हो, तो हम वहां पर टर्मरिक तेल में मिलाकर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, थ्री ऑफ द स्पाइसेस आर एडेड इन बोथ स्वीट्स एंड सॉल्टी डिशेस, विच वन इज नॉट, और सही हमारा आंसर है कुमिन सीड। देखिए उसके बाद नेक्स्ट है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, डाइजेस्ट इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट फूड, कंप्लीट फूड है मिल्क, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, फाइंड ऑड वन आउट, यहाँ पर ऑड वन आउट आएगा, यहाँ पर चॉकलेट है, सलाड है, कर्ड है और चीज है, ऑप्शन नंबर बी सलाड। उसके बाद है, विच फूड ग्रुप डस सीरियल बिलोंग टू, और हमारा सही आंसर यहाँ पर ग्रेन, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग, बोन्स और टीथ स्ट्रांग हमारे होते हैं मिल्क से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें क्लोव, टर्मरिक, चिकपी और कुकीम, तो हमारे से आंसर है चिकपी। नेक्स्ट है, लुक एट द टेबल गिवन बिलो एंड फाइंड द आउट द नंबर ऑफ डिशेस मेड फ्रॉम मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट के डिशेस यहाँ पर नाम है, तो हमें यहाँ पर वो काउंट करने हैं। तो देखिए, मिल्क से बने हुए यहाँ पर है लस्सी है, रायता है, पनीर है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है कुल्फी है, उसके बाद खीर है, रसमलाई है, आइसक्रीम है। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन हुए हमारे, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 और 7, हमारा आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 7, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 जो है वो सॉल्व किया है, और यहाँ पर आंसर शीट है नीचे का, वो भी हमें यहाँ पर भरना है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर सी, तो हम किस तरह से भरेंगे देखें, वो यहाँ पर एक ही बताती हूँ, ऑप्शन नंबर सी 20 का, इसी तरह से हमें वो ब्लैक करना है सर्कल, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर है वो है क्लोथिंग, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और उसके क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वॉर्म ड्यूरिंग विंटर सीजन, विंटर सीजन में कौन सा क्लोथ पहनते, तो वुलन, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमारा सही आंसर है क्लोथ्स आर ड्यूरेबल, ये ऑप्शन नंबर सी है। अगला है, क्लोथ्स इज मेड फ्रॉम, क्लोथ्स किससे बनता है, तो यार्न से बनता है, सूत से बनता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर कॉटन, जूट, सिल्क, यहाँ पर थ्री नाम है कपड़े के, और यहाँ पर उसके पिक्चर दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। ये कॉटन हुआ 1, B, जूट हुआ 2, C और सिल्क हुआ 3, A, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर है ए 1, B, 2, C, 3, A, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है, वेयरिंग द क्लोथ्स, वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स इज गुड हैबिट्स बिकॉज, यहाँ पर बोथ द अबव दिया है, टू लुक हैंडसम और ब्यूटीफुल, टू रिमेन हेल्दी, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द थिंग्स कैन बी यूज टू वॉश क्लोथ्स, और हमारा सही आंसर है यहाँ पर रीठा, लाइमस्टोन, वॉशिंग सोडा, ऑल ऑफ अबव, ये हमारा सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो सेकेंड है बी, इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन केरला एंड पंजाब, जूट सिर्फ केरला और पंजाब में ही ग्रोथ होता है, ये आंसर गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 8 नंबर है, विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट इज यूज टू गेटिंग जूट फाइबर, आंसर है स्टेम,
ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड ऑलवेज ड्राई अवर कलर क्लोथ इन द, सही आंसर है शेड। उसके बाद फाइंड द ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट इसमें देखा खादी स्वेटर जैसी और कोट है, तो हमारा आंसर है खादी। उसके बाद है सिल्कवर्म से फीड ऑन डैश लूज, आंसर है मलबेरी। उसके बाद टाइट क्लोथ मेक अस फील, इस तरह से रहता है अनकंफर्टेबल, टाइट क्लोथ से अनकंफर्टेबल लगता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ट्रू स्टेटमेंट है इसमें हमारा, वी वेयर क्लोथ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड अवर सराउंडिंग, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है विच ऑफ दिस प्लांट्स फाइबर्स इज यूज टू यूज फॉर मेकिंग क्लोथ दैट आर वार्म इन समर, तो यहाँ पर समर में किस तरह से क्लॉथ हम पहनते हैं, तो कॉटन और फ्लेक्स दोनों तरह के कपड़े हम पहनते हैं, तो हमारा आंसर है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नायलॉन इज वेरी स्ट्रांग एंड वाटर प्रूफ मटेरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर मेड फ्रॉम नायलॉन, तो यहाँ पर एयर बैग से, पैराशूट से, स्विमर है और मशीन पार्ट से, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर आता है 1, 2, 3, 4, ये सही आंसर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 हम इसे टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राजू इज फीलिंग वेरी हॉट ऑन अ समर डे, ही इज स्वेटिंग टू मच ड्यू टू द ब्लेजिंग सन, व्हाट क्लोथ विल मेक हिम फील कंफर्टेबल, तो हमारे आंसर है लिनन क्लोथ, रेनकोट से उसे कंफर्टेबल लगता है। नेक्स्ट है व्हाई डू यूज मोथ बॉल्स इन क्लोथ्स व्हेन दे आर स्टोर, मोथ बॉल का क्यों यूज करते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज ड्यू टू इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए और ना कि उसे डैमेज करने के लिए, ठीक है, इंसेक्ट से डैमेज ना करे इसलिए हम मोथ बॉल्स का यूज करते हैं। उसके बाद है 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज यूज टू वेयर क्लोथ सुटेबल टू वेयर इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, डिसम्बर में हम किस तरह से कपड़े पहनते हैं, तो फर के, क्योंकि दिसंबर में ठंडी रहती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ड्राइड लूज आर यूज टू प्रिवेंट मंथ्स एंड इंसेक्ट इन क्लोथ्स, और हमारा आंसर है नीम लूज। उसके बाद है आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, रोहन से एक्स इज द फैब्रिक विच आई मोस्टली यूज टू मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर में हम इस एक्स ये जो कपड़े यूज करते हैं नवंबर महीने में, तो वो कपड़े किस तरह से रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो नवंबर में ठंडी रहती है तो वो कपड़े रहते हैं वुलन के, वूल। उसके बाद वाई सुहास वाई इज द फैब्रिक विच आई यूज इन मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में हम किस तरह से कपड़े पहनते हैं, कॉटन हो, लिनन हो, कॉटन, तो हमारा आंसर किस तरह से आएगा, वूलन, वूल, लिनन, कॉटन या वूल लिनन, तो हमारा सही आंसर इसमें आएगा एक्स इज वूल एंड वाई इज लिनन, तो हमारा ये सही ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर ये भी सॉल्व किया है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका ऑप्शन नंबर सी है, तो हम सी को यहाँ पर ब्लैक करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर चैप्टर, दोनों चैप्टर यहाँ पर देखे, चैप्टर नंबर 5 और 6, इसके क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व किए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी हेल्पफुल लगेगा, ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया, पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं इंडियन टैलेंट का जो एग्जाम है क्लास 4th का साइंस का, उसका जो वर्कबुक है वो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।